कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए, आपका जो जीव विज्ञान का वार्षिक पेपर है उसका सेट ए का पूरा सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न पढ़ेंगे, थोड़ा तो बड़ा कर लेते हैं। द्विकरण द्विनामकरण दो शब्दों से मिलकर बनाए हैं, एक तो वंशों और जाति से, ठीक है। तो यह पहला दा नंबर का एकदम राइट रहेगा। आवृत बीजियों में भ्रूणपोष होता है, ठीक है। आवृत जो बीजी है उनमें भ्रूणपोष कैसा होता है, तो त्रिगुणित उसमें होता है। हैब सिरियन तंत्र पाया जाता है, तो अस्थि में, ठीक है, किसमें आ जाएगा, अस्थि से या अस्थि में। निम्नलिखित में किसके किसमें डीएनए नहीं पाया जाता है, गालजी काय। प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण जो है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीकरण और अपचयन। कोशिका जो झिल्ली है वो प्रमुखतः बनी होती है, कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त पाया जाता है फुसफुस सी धमनी में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यही आपके पेपर में आने वाले प्रश्न है, ठीक है। आप केवल अच्छे से पढ़िए, पूरे अंक आपको दिलाने की जवाबदारी मेरी रहेगी। मैं जितना बता रहा हूं केवल उतने ही आप कंप्लीट कर लीजिए बस, उसके अलावा अदर चीजें कोई करने की आवश्यकता नहीं है। मास्ट जो कोशिकाएं हैं रिक्त स्थान ऊतक से बनी होती, तो संयोजी ऊतक से बनी होती, तो यहां पर लिख देते संयोजी, ठीक है। पुष्प एक रूपांतरित रिक्त स्थान है प्रारोह, प्रारोह। रेखित पेशी में दो निकष्ट जेड रेखाओं के बीच का भाग रिक्त स्थान कहलाता है, तो यह कहलाएगा आपका सार्कोमियर। सार्कोमियर कोशिका की खोज रिक्त स्थान ने सन 1965 में की थी, तो जो कोशिका की खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट हुक। पक्षियों में एवं सरीसृपों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल है, इंसुलिन की कमी से होने वाला जो रोग है वो है मधुमेह, मधुमेह। वयस्क मानव के शरीर में कुल रिक्त स्थान अस्थियां होती है, तो 206। अब अगला देखिए, सही जोड़ी है। अब कार्क केम्बियम, ठीक है, द्वितीय वृद्धि पहला। केंद्रकाभ, केंद्रकाभ का, केंद्रकाभ का हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका। एंडोलिम्प, ठीक है, इसका आ जाएगा आपका कोकलिया। कुट गुहा गोल कृमि, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो यहां पर पांचवा है टेस्टोस्टेरोन, तो यह जाएगा आपका वृषण की लीडिंग कोशिकाएं। रक्त जो है वह रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। केरोटीनाइट वर, तो यहां पर जाएगा सहायक वर्णक। एक वाक्य में उत्तर है, एक बीज पत्री पत्ती किस में किस प्रकार का सीरा विन्यास पाया जाता है, ठीक है। तो इनमें पाया जाता है समांतर सीना विन्यास, तो यहां पर जाएगा समांतर सीरा विन्यास। ऑक्टोपस किस संघ जंतु, किस संघ का जंतु है, तो मेलास्का संघ का है। काकरोच का जंतु वैज्ञानिक नाम पेरी प्लेनेटा अमोरिकाना,
किन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसी कौन सी कोशिका है जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो वो है आपकी मियोसाइट, मियोसाइट द्विगुणित जनन कोशिका। रेटिना का कौन सा भाग शंकु कोशिकाओं का बना होता है, पीत बिंदु का, किस हार्मोन्स को प्रसव हार्मोन्स कहते हैं, ऑक्सीटोसिन, टोजिन। मनुष्य में कितनी स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती है, तो 31 जोड़ी। अब एक क्वेश्चन नंबर 5, ICBN तथा NBRI का पूरा नाम लिखिए। ब्रायोफाइटस को पादप जगत का उभयचर क्यों कहते हैं, वर्गक किसे कहते हैं, चपेट कृमि व कीटों के उत्सर्जी अंगों के नाम बताने हैं, ठीक है, कुला खुला और बंद संवहन पुल क्या है, यही प्रश्न आपके आएंगे। जड़ संवहन बंडल आरी रूप में क्यों व्यवस्थित होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका के लक्षण एवं विशेषता बतानी है, कार्बोहाइड्रेट्स के दो कार्य, ठीक है, इसके बाद मियोसिस की न्यूकारी विभाजन क्यों कहा जाता है, ठीक है, इंसर प्रभाव किसे कहते हैं, साइटोकाइनिन के दो प्रायोगिक महत्व तो बताने हैं, ठीक है भैया, संघ कार्डेटा के प्रमुख लक्षणों की सूची बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पूरा पेपरों का सॉल्यूशन अगले वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है, यहां पर पेपर में बता रहा हूं ताकि आपको जितने प्रश्न आपको याद हो वो आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। एक प्रारूपिक पुष्प का नामांकित चित्र, एक बीजपत्री जड़ की अनुप्रस्थ गांठ का नामांकित चित्र बनाना है, किसी यूकेरियोटिक पादप अथवा जंतु कोशिका का चित्र बनाना है, DNA के द्विकुंडली सी मॉडल का चित्र बनाइए, बसंतीकरण क्या है इसका महत्व, कंपेशन सन बिंदु से आप क्या समझते हैं समझाइए, मनुष्य में उत्सर्जी तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है, संधि को परिभाषित कर कंदुक खल्ली का संधि को चित्र से समझाइए, C3 और C4 पौधे में अंतर, ग्लाइकोसिस तथा क्रेब्स चक्र में अंतर बताना है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है उदाहरण दीजिए, और श्वसन में CO2 का परिवहन, सॉरी रुधिर के जो श्वसन है मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस तरह होता है, ठीक है, रक्त में। तो ये आपका क्लास 11th का बायोलॉजी का सेट ए का पूरा सॉल्यूशन आज मैंने दिया, ठीक है, यदि आप सेट BCD देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा, अगले दूसरे जितने भी पेपर मेरे पास आएंगे पूरे पेपरों का सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।